हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं आपको महाराष्ट्र का एकदम पॉपुलर स्ट्रीट फूड कांदा भजी घर पे कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी बताऊंगी। मुंबई में ये बहुत ही फेमस है और खाने में ये एकदम कुरकुरे बनेंगे और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो आप ये कांदा भजी की रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही नई रेसिपी के लिए प्लीज आप बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए। तो कांदा भजी को आप बना के स्टार्टर में या साइड स्नैक में या टी टाइम स्नैक में बना के उसे सर्व कर सकते हो। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो मैंने एक बाउल में 3 मीडियम प्याज को लेके मैंने उसे ऐसा लंबा लंबा काट के अलग कर दिया है। उसमें हम ऐड कर देंगे आधा टेबल स्पून कुटा हुआ अखा धनिया, मैंने उसे थोड़ा थोड़ा पीस के ऐड कर दिया है। आधा टेबल स्पून हम अजवाई को ऐसे मसल के ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, मैंने कश्मीरी रेड चिली यूज की है ताकि अच्छा कलर आए। नमक हम डाल देंगे स्वाद के अनुसार और 1/4 चम्मच हम हींग ऐड कर देंगे। अच्छे से हम सारे इंग्रेडिएंट को मिक्स कर देंगे और हम 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे ताकि प्याज, नमक और सारे मसाले मिक्स होके थोड़ा उसमें से पानी निकलेगा, उससे ही हम हमारा बैटर बनाएंगे। तो अभी मैं उसे 10 मिनट के लिए साइड में रख दूंगी। तो 10 मिनट के बाद आप देख सकते हो प्याज थोड़ा श्रिंक हो गया है। उसमें अभी हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून हम चावल का आटा, राइस फ्लावर ऐड कर देंगे। इससे हमारे पकोड़े एकदम कुरकुरे बनेंगे। और अभी हम थोड़ा थोड़ा बेसन ऐड करेंगे। तो 4 से 5 टेबल स्पून ही हमें बेसन की जरूरत पड़ेगी, बहुत ज्यादा नहीं ऐड करना है। तो मैंने अभी इधर 4 टेबल स्पून ऐड किया है। अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। अगर आपको लगे बाद में कि बेसन थोड़ा और चाहिए तो 1-2 टेबल स्पून आप और भी ऐड कर सकते हो। मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अभी मैं उसमें 1 टेबल स्पून दही ऐड कर दूंगी। मिक्स कर देंगे। दही से पकौड़े का टेस्ट है वो एकदम अच्छा आएगा। और अभी मैं उसमें 1 पिंच से थोड़ा ऊपर मैंने बेकिंग सोडा ऐड कर दिया है। इससे हमारे पकौड़े एकदम सॉफ्ट बनेंगे। और 1 टेबल स्पून हम गरम तेल ऐड कर देंगे बैटर में। अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हो हमारा बैटर हमें ऐसा चाहिए। अगर आपका बैटर थोड़ा कम गाढ़ा है या फिर थोड़ा पतला है तो आप उस हिसाब से बेसन ऐड करके आप एडजस्ट कर सकते हो। तो बैटर आप देख सकते हो हमें ऐसा चाहिए। तो अभी हम उसे में से कांदा भजी बनाएंगे। तो हम ऐसा पतला अलग कर देंगे ऐसे कांदा को और ऐसे गरम तेल में हम फ्राई करेंगे। तो हम एकदम अलग हो जाए ऐसे हम भजी को ऐसे तेल में डालेंगे। और हम मीडियम आंच पर फ्राई करेंगे। तो मानसून, ये बारिशों के सीजन में ये पकोड़े खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो आप ये बारिशों के सीजन में कांदा भजी की रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए। तो जब भी थोड़े बबल कम दिखे तेल में तब हम उसे एक साइड ऐसे पलट देंगे। तो आप देख सकते हो हमारे कांदा भजी एकदम परफेक्ट बने हैं। वापस एक बार और मैं पलट दूंगी। तो आप देख सकते हो हमें ऐसा कलर चाहिए। तो हमारे एकदम परफेक्ट कांदा भजी बने हैं। हम उसे किचन पेपर पर निकाल देंगे। तो गर्मा गर्म कांदा भजी को आप चाय के साथ सर्व कीजिए। और फ्राई की हुई हरी मिर्च और वड़ा पाव की चटनी इसके साथ बहुत ही अच्छी जाती है। तो आप ये कांदा भजी की रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।